एक तरफ तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं लगातार विवादों में रहती हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि समय पर अब नियुक्ति मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में उन सरकारी विभागों में हालात बिगड़ने लगे हैं जिनकी भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए होती है। ताज़ा मामला जुड़ा हुआ है आयुर्वेद चिकित्सकों से। अब तो आलम ये है कि प्रदेश के 1800 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में से 600 से ज्यादा बिना डॉक्टरों के चल रही हैं। इन पदों को भरने के लिए पिछले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 698 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को सिलेक्ट किया था, पर मामला वहीं अटक गया जहां सारी परीक्षाएं अटकी हुई है, यानी हाईकोर्ट में केस पेंडिंग होने के चलते नियुक्ति नहीं हो पाई और डॉक्टरों की कमी के चलते पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि इन डिस्पेंसरीज में फार्मासिस्ट और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ भी पोस्टेड है, पर डॉक्टर के नहीं होने से वे भी बिना काम के हैं। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर साल लगभग 10 करोड़ रुपए बिना काम के ही वेतन भत्ते पर खर्च किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में वैकेंसी 10 सालों में बढ़ते बढ़ते 600 तक पहुंच गई है, लेकिन भर्ती हुई तो सिर्फ एक बार, उसमें भी 125 डॉक्टर मिले, पर इन्हें भी डिस्पेंसरीज में पोस्ट करने की जगह आयुर्वेद कॉलेजों में लेक्चरर्स के पदों पर पोस्ट कर दिया गया और उसके बाद भी इन्हें डिस्पेंसरीज में भेजने की जगह टीचर कोड अलॉट कर कॉलेजों में रख दिया गया। जबकि आपको बता दें कि लेक्चरर्स की भर्ती प्रक्रिया अलग और चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी अलग है। यानी एक तरफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की लेट लतीफी और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में मामला फंसा होने की सजा सिर्फ और सिर्फ भुगत रहे हैं उम्मीदवार और सिर्फ उम्मीदवार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।